Hey guys, good morning. Monica is here from Asijal's Matrix. So, आज के इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी अपना लास्ट टॉपिक दैट वॉज रीड अलाउड ऑफ पीटी स्पीकिंग. सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. सेकेंडली, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था 5 से 6 स्टेप्स के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं रीड अलाउड की. एक बार मैं उन स्टेप्स को ब्रीफ में आपको बता देती हूँ. होप सो आपने वो मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, और अगर आपसे मिस हो गई है तो आपको मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. फर्स्ट स्टेप जिसके बारे में मैंने बात की थी दैट वॉज फ्लुएंसी एंड प्रोनंसिएशन. अगर आप रीड अलाउड को रीड करते समय आपने, ऐसा नहीं है कि आप बहुत फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल भाग के इतनी फास्ट बोल रहे हो आप, है ना, कोई पॉज नहीं ले रहे, तो ये बिल्कुल गलत होगा. आपको क्या करना है, फ्लुएंसी का मतलब क्या है, फ्लुएंट होके बोलना है और पॉजेस भी लेने हैं, लेकिन पॉजेस शुड बी नेचुरल. अनवांटेड पॉजेस आपको नहीं लेनी. सेकेंड जो मैंने बात की थी दैट इज स्पीड की, आपकी बोलने की स्पीड शुड बी मॉडरेट. बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोलना, बहुत ज्यादा स्लो नहीं बोलना, इट शुड बी मॉडरेट. थर्ड मैंने बात की थी एवरी वर्ड शुड बी अंडरस्टैंडेबल, एवरी वर्ड शुड बी क्लियर, क्योंकि वहां पे आपका जो पीटी का सॉफ्टवेयर है वो आपकी आवाज को कैच करेगा, तो आपका हर वर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. इसके आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर इंस्टेंस, किसी भी वर्ड के पीछे अगर एस है, फॉर इंस्टेंस सिंबल्स, तो आप उसको सिंबल्स ही रीड करोगे. अगर आप बोलोगे सिंबल, यहाँ पे आपका स्कोर डिटेक्ट होगा. अगर वहां पे आप बोल देते हो सिंबल है, आप सिंबल्स बोल देते हो, वहां पे आपका स्कोर डिटेक्ट होगा. सो जब भी आपको रिकॉर्डिंग से पहले जब आपको टाइम मिलेगा उसमें आपने हर वर्ड को बिल्कुल फास्ट अच्छे से रीड कर लेना है कि कौन से वर्ड के पीछे आपको एस लगाना है, कौन से वर्ड के पीछे एस नहीं लगाना, कहां पे आपको पॉज देना है और कहां पे आपको पॉज नहीं देना, ये इन चीजों का आपने वहां पे ध्यान रखना है. अब स्क्रीन में आपके सामने एक पैराग्राफ शो होगा, उसमें आपने सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना है दैट इज कि हमारे पास फुल स्टॉप कहां पे आ रहा है. जहां पे भी फुल स्टॉप आएगा आपको उस जगह पे पॉज देना है 2 से 3 सेकंड का. सेकेंड आपने ध्यान देना है कि कोमा कहां पे आ रहा है. जहां पे भी कोमा आएगा वहां पे आपने अपने वर्ड की, कोमा से पहले वाला जो वर्ड है उसकी लेंथ को ज्यादा करना है. अब मैं आपको बोल के दिखाऊंगी कि आपको कैसे बोलना है. लेट्स डू दैट. मॉडर्न बिल्डिंग्स हैव टू अचीव सर्टेन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट टू सेटिस्फाई दोज ऑफ बिल्डिंग कोड्स टू प्रोवाइड अ सेफ, हेल्दी एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट. हाउएवर these conditioned environments demand resources and energy and materials which are both limited in supply to build and operate. अब देखिए इस पैराग्राफ में मैंने ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल फास्ट बोला. एक तो जो मेरी स्पीड थी वो बिल्कुल मॉडरेट थी, और मैंने ये ध्यान रखा जहां पे भी फुल स्टॉप आया वहां पे मैंने 2 से 3 सेकंड का पॉज भी लिया, और जहां पे मेरे ये वर्ड्स आए कोमा के साथ दैट वॉज बिल्डिंग कोड्स टू प्रोवाइड अ सेफ, हेल्दी एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, यहां पे मैंने अपने वर्ड्स की लेंथ को ज्यादा किया. मैंने कैसे बोला यहां पे, टू प्रोवाइड अ सेफ, हेल्दी एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट. तो इन 2 से 3 चीजों का आपने ध्यान देना है. अब हर वर्ड, अब जैसे सेकेंड वर्ड मेरा था बिल्डिंग्स, अब यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर बोलना है बिल्डिंग्स. अगर आप बोलते हो बिल्डिंग वहां पे आपका स्कोर जाएगा डाउन. एक और रीड अलाउड को मैं रीड करके दिखाऊंगी आपको. न्यू रिसर्च हैज शोन रॉबर्ट्स कैन इनकरेज ह्यूमंस टू टेक ग्रेटर रिस्क इन अ सिमुलेटेड गैम्बलिंग सिनेरियो देन दे वुड इफ देयर वाज नथिंग टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर्स. इंक्रीजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर रॉबर्ट्स कैन अफेक्ट रिस्क टेकिंग कुड हैव एथिकल, प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस व्हिच दिस स्टडी सेट आउट टू एक्सप्लोर. सो इस रीड अलाउड के अंदर लास्ट में, सेकेंड लास्ट लाइन में मेरे पास कुछ वर्ड्स थे दैट वॉज एथिकल, प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस. इन वर्ड्स 4 वर्ड्स हैं, इनके बीच में हमारे पास कोमा है, तो मैंने क्या बताया आपको, इन चारों वर्ड्स की आपको आपको क्या करना है, इन चारों वर्ड्स की लेंथ को ज्यादा करना है. दैट इज एथिकल, प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस व्हिच दिस स्टडी सेट आउट टू एक्सप्लोर.
सो गाइज, अगर आप पीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रीड अलाउड के अंदर इन 4 से 5 स्टेप्स को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका रीड अलाउड का स्कोर गुड जाएगा। और 15 से 20 रीड अलाउड की प्रैक्टिस पर डे इज मोर देन इनफ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।